लॉजिकल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है अपने समय का बेस्ट यूज करने के लिए. तो आई थिंक आई विल गो विद सजांग और मेरे को पिज्जा खाना है. हे गाइस, वेलकम टू द चैनल. सो करीब 6 बज रहे हैं और हम तो अपना ऑफिस ख़त्म कर लिए. अंजना भी ऑफिस में लगी हुई है. तो क्योंकि अंजना को टाइम लग रहा है तो हम तो अपना टॉप रेमन करी बना लिए. टॉप रेमन करी इज वन ऑफ माई फेवरेट. तो आज काफ़ी ठंड थी, सुबह में -3 था फील्स लाइक. तो कुछ आज अच्छा कंफर्ट फूड खाने का मन करा, लाइक चावल दाल. ओ हेलो अंजना, ऑफिस खत्म. हेलो सुशांत, मैगी बना. ऑफिस हो गया? ए मेरा मैगी है. हाय गाइस. ए तुम अपना बनाओ, मेरा मैगी मत खाओ, अपना मैगी बनाओ. मैगी नहीं है ये. तो जो भी है. अरे तो जैसे सारा टूथपेस्ट कोलगेट होता है, जैसे सारा डिटर्जेंट सर्फ होता है, वैसे सारा नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स, सारा इंस्टेंट नूडल मैगी होता है. एनीवेज, तो खाना क्या खाएंगे आज हम लोग? Hi guys, I'm wearing a Christmas jumper. Reason है क्योंकि आज ऑफिस में क्रिसमस जम्पर डे था. आज कुछ प्लान कर रहे थे हम लोग मॉल जाने का या कुछ करने का, बट बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा बाहर निकलने का. बाहर से बेसिकली हम लोग जनरली बहुत ही डाइट कॉन्शियस रहते हैं और पीछे बैकग्राउंड में शशांक इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा है. बट बेसिकली इसके पहले हम लोग मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल ही चीट नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते. बट क्रिसमस में टिल लाइक न्यू ईयर तक हम लोग काफ़ी खाते हैं और अभी थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया है हमारा. ऑफकोर्स जनवरी से हम लोग वापस अपने बिल्कुल ही मोड में आ जाएंगे वेट लॉस के, लेकिन अभी क्योंकि बहुत लाइक अभी बहुत वो है हमारे पास, ऑप्शंस है. तो कॉन्शियस कर दी है मैगी खाते वक्त. आई थिंक किसी कॉमेडियन ने भी ये बोला था अपने स्टैंडअप में कि वेट लॉस लाइफ में चलता रहता है. आई कनेक्टेड टू इट सो मच. तो अभी हमारे पास बहुत ऑप्शन है. हमें लग रहा है कि हम जो भी मिस करते हैं, जैसे कि प्लेन चावल दाल सब्जी से लेकर के घर में बनाया हुआ चाउमिन चिल्ली पनीर वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग अभी बहुत बनाते हैं और इस पीरियड में घर से खाते, थोड़ा बाहर से भी मंगवाते हैं. आज सोचा था बाहर चलेंगे मॉल. अरे कुछ अच्छा कंफर्ट फूड खाने का मन था, चावल दाल भुजिया या पुलाव चना दाल रायता. हम दोनों बिहार से हैं, हम फ्रॉम झारखंड, शशांक बिहार से है. आलू का भुजिया, राइट? तो आलू का भुजिया एक चीज है और शशांक को बहुत पसंद है ओवर एनीथिंग. ओह क्या खाना है? चावल दाल भुजिया. तो फिर क्या खाना है? क्या खाए हम? क्या खाओगे? हमको तो वही खाना है. तो गाइस गेस व्हाट, क्या खा रहे हम? बहुत डेलिब्रेशन के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत अपना अच्छा भला, कैलोरीज, प्रोटीन, एफर्ट सब कैलकुलेट करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम खाएंगे डोमिनोज. हम लोग पिछले 2-3 महीने से डोमिनोज नहीं खाया है और किसको नहीं अच्छा लगता पिज्जा. वैसे तो पिज्जा शशांक फ्राइडे को हमेशा बनाता है, बट एक दो बार स्टोर बॉट पिज्जा भी खाने का मन करता है. तो फिर प्लान तो फिर यही है कि हम जाके उठा भी सकते हैं, हमको भी देखना होगा. शायद अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो हाफ प्राइस पे मिलेगा. सो डोमिनोज यहाँ पे नॉर्मली लार्ज डोमिनोज मिलता है अराउंड 20-21 pounds और एंड इफ यू गो एंड कलेक्ट आपको 10-11 pounds में मिल जाता, हाफ द प्राइस में. थोड़ा महंगा है यहाँ पे डोमिनोज. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक वेजी सुप्रीम डोमिनोज. विल फिगर इट आउट. सी यू इन अ बिट. सी यू इन अ बिट. यार इतनी ठंड. ठंड चट्टान तो कवर्स में है. इतनी ठंड है. इट वाज अ वेरी बैड आइडिया, बट जल्दी से पिज्जा उठा के
वापस घर को भागेंगे। जा रहे अभी हम, पार्क किया है लिडल के पार्किंग में, लिडल यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, और अभी जाएंगे गरम गरम पिज्जा लाने। स्टोर के बाहर खड़ी हूँ, मास्क लाना भूल गए, और अभी रियलाइज हो रहा है कि घर में दूध नहीं है, तो ग्रोसरी स्टोर भी चले जाएंगे शशांक के अंदर मास्क लाने। मिला क्या? हाँ यार, एक ही पाउंड का है, अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी अच्छा है क्या? एक ही पाउंड का है, जैसे कि एक पाउंड वाला मास्क बहुत खराब होता है। यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, पर जा रहे हैं लिडल। जनरली हम लोग लिडल से शॉपिंग नहीं करते, टेस्को प्रेफर्ड है थोड़ा। यार इतने फ्लावर्स के ऑप्शन से लग रहा है कुछ ले लूँ। शशांक यार ये लिडल है, और यहाँ पे काफी डिस्काउंटेड चीजें मिलती हैं, कई बार क्या डील्स मिल जाते हैं। अभी क्रिसमस के लिए बहुत गिफ्ट आया हुआ है, आई थिंक वी आर गोना स्पेंड सम टाइम। यार गज़ब का डिस्काउंट है यहाँ पे, वॉक मिल रहा है क्या? मेरे को चाहिए था वॉक। क्या है? स्टील वॉक नॉन स्टिक कोटेड इनसाइड फॉर इजी कुकिंग। हाउ मच इज इट फॉर? 6 pounds? 6 pounds इज नॉट बैड यार, सब जगह 9 का मिल रहा है ये। चले घर पिज्जा लेके, आपको दिखाना था यहाँ पे, आपको क्रिसमस का डेकोरेशन देखना है घर के लोगों का, लोगों के घर का बहुत ही अमेजिंग है। कुछ लोगों ने, सब जगह थोड़ा फेस्टिविटी का फीलिंग तो है भाई। ये डेकोरेशन देखो, क्या अमेजिंग लोगों ने अपने घर डेकोरेट किए हैं क्रिसमस में। ओ वाओ, ये भी अमेजिंग है, नेबर ने ज्यादा किया है उसके, बट इसने भी काफी अच्छा किया है। से लेकर आए हैं ये, दिस इज लाइक एक पैम्पस ग्रास, मेरे को लगता है ये पैम्पस ग्रास की वैरायटी के जैसा है। गए थे दूध लाने और लिडल में ये देख गया, तो ये ले लिया हमने। बेसिकली अभी रियलाइज हुआ है कि जब आप फ्लावर्स पे खर्चा करते हैं ना, जैसे कि जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे डाई आफ्टर सम टाइम, बट ये जो अगर कहीं ड्राई फ्लावर्स मिले, दे टेंड टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे कभी और, बट हमारे पास पैम्पस ग्रास और बाकी ड्राई फ्लावर्स का भी ऐसे कलेक्शन है, ये बहुत दिन रहेगा। और ये दिस वॉज 5 pounds का, जनरली फ्लावर का बुके भी अराउंड उतने का आता है, बट look at this, how beautiful it is. चले अब हम लोग पिज्जा खाने और मूवी देखने। See you guys. And please subscribe to our channel.